गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। और आज जनाब संडे का दिन है, और संडे का दिन मेरा कैसा गुजरता है ये आप देखेंगे। सुबह से अभी मुझे जो है ना वो कुछ थोड़ा सा घर के काम वाम थे, सफाई वफाई करनी थी, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हफ्ता इतवार जो होता है ना, इसमें मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल चिल होता है दिन, कहीं ना आना होता है, ना कहीं शॉपिंग करनी होती है, ना कहीं जाना होता है, आपको सिर्फ घर में ही रहना होता है। तो आज मुझे, क्योंकि शाम में एक जगह जाना है, तो मुझे यही है कि मैं 3 बजे तक जो है वो निकलूँगी और इंशाल्लाह वहाँ पर टाइम पे पहुँच जाऊँगी। अभी हम ये करते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, आप लोग मेरे साथ रहें, देखें आज का दिन हमारा कैसे गुजरता है। चट पर जो है ना, मैंने ये कुछ चाय मंगवाई थी और मैं इनको टेस्ट करके देखूँगी। आएँ चलें बनाते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह की जो है वो चाय है। इसमें वैसे जो है 4 पैकिंग हैं और डेविड रॉय की चाय है, तो देखते हैं जी कैसे बनती है। जी यहाँ पर मेरे पास वार्म केटल है और इसके अंदर जो है मैंने ये जो एक पैकेट चाय का था ये डाल दिया था, थोड़ा सा मिल्क डाल दिया था, और इसको जनाब मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब आप उसके बाद देखिएगा कि क्या चमत्कार होने वाला है। यानी आप देखिए इतने मज़ेदार सी ये चाय बनी थी कि क्या ही बात है। जी तो इस वक्त मैं पी रही हूँ जो चाय मैंने बनाई है, चाय लेटर। और मैंने बल्कि पिछली जो मेरी व्लॉग थी उसमें मैंने गरारा पहना था, और आप सब लोगों के कमेंट्स भी पड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग को पसंद करने का। और साथ में मैंने आपसे कहा था कि ये एक सस्पेंस है जिसका, वो क्या था? वो ये था कि जो गरारा था बेसिकली मेरी शादी का गरारा था, और जो है इसको मैंने एक अच्छे लुक में, एक वाइट शर्ट, जब अभी मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने एक वाइट शर्ट बनवाई थी, और वो बिल्कुल भी इस माइंड से नहीं बनवाई थी उसको इस गरारे के साथ पहनूंगी, वो मैंने बनवा ली थी। खैर मैंने इसका ट्राउज़र भी है, मगर ट्राउज़र मैंने नहीं पहना, मैंने कहा ट्राउज़र के अलावा इस शर्ट को जो है हम गरारे पर पहनते। इत्तेफाक से शादी में सब ज़्यादातर लोग जो है वो गरारा पहन रहे थे, और मेरे पास था ही नहीं गरारा, मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो है मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता है गरारा। इस वजह से जब सबने कहा कि नहीं जी आप पहने गरारा, तो फिर मैंने वो गरारा जो शादी वाला था वो निकाला और उसको पहन के देखा, तो भाई वो आ गया, सबसे बड़ी बात तो ये थी। और उसके बाद जो है मैंने फिर वो पहनाया, और आप लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपके कमेंट्स पढ़ के भी, वो कहते हैं ना कि मुझे बहुत खुशी होती हो, तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और साथ में फरहान जो हैं इंडिया से, जो अक्सर मैसेज करते हैं मेरी व्लॉग्स पे, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका गाय बगाय मैं अपने वाले साहब को सलाम देती रहती हूँ कि बरेली से जी उनका सलाम आया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। तो आइए चलते हैं आज की व्लॉग, देखें कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरता है। अभी मैं सारे घर के काम वाम करके फ्री हुई हूँ, और मैंने जनाब ये मज़ेदार सी चाय बनाई है, और अब जो है क्योंकि इसमें कुछ शाउम, वो कहते हैं ना झाग कुछ ज़्यादा बन गए, क्योंकि मैंने शाउमर में बनाया था, तो इसको मैंने इंजॉय कर लिया है। अब ये है कि आप लोग जाइए और व्लॉग इंजॉय करिए। ये एक दिन पहले की व्लॉग है, और इस दिन अम्मी और अब्बू मेरी तरफ आए हुए थे, तो अम्मी अब्बू को हमेशा जब भी आते हैं तो यही होता है कि भाई हमारे लिए सब्ज़ी ज़रूर बनाना, तो मैं इस वक्त सब्ज़ी बना रही थी, बल्कि अम्मी ने कहा कि तुम रहने तो आज मैं बनाती हूँ अपने अंदाज़ से सब्ज़ी। तो मैं ये फ़्रेश पालक जो है वो तुर्किश मार्केट से लेकर आई थी, और साथ में अम्मी के गार्डन की हरी मिर्चें थीं, और अम्मी टमाटर भी लेकर आई थी, मगर टमाटर क्योंकि कच्चे थे, और उसके साथ जनाब अम्मी ने जो है वो अपने गार्डन के शलजम जो हैं वो इसमें ऐड किए थे। तो ये शलजम पालक बन रहा था, और बड़ा ही मज़ेदार बना था। अम्मी अपने अंदाज़ से बनाती हैं, तो ज़ाहिर जब माँ के हाथ के खाने बन रहे हो तो उस वक्त ये होता है कि अपना टेस्ट इंसान भूल ही जाता है। हम तो अपने वो टिपिकल जल्दी जल्दी काम करने वाले जो वो होते हैं, हम उस हिसाब से बना देते हैं, मगर अम्मी के मसाले ये थे कि नहीं ये इतना डलना है, ये उस तरह, ये इस तरह तैयार होगा। और जब वो तैयार हुआ है तो माशाल्लाह से मज़ा आ गया, इतना मज़ेदार था। अच्छा, पिछली व्लॉग में जब मैं अम्मी अबू के गार्डन में गई थी, मैंने आपको वहाँ पर हरी मिर्चें भी दिखाई थी, नाशपाती भी दिखाई थी, टमाटर भी थे, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ से तोड़ के लाए थे। टमाटर कच्चे आ गए थे, तो मगर अभी हमने इसको रख दिया था, और ये हरी मिर्चें बड़ी ही तेज़ थी जैसा कि मैंने आपको बताया था। खैर यहाँ पर हमारा पालक और शलजम जो है वो तैयार हो गए थे। अच्छा, अम्मी तो बिल्कुल कह रही थी कि इसमें टमाटर वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे, मगर मैंने थोड़ा सा इसमें टमाटर का पेस्ट जो था वो ऐड कर
दिया था तो उससे ज़रा सा एक अच्छा रंग आ जाता है, मगर मम्मी कह रही थी इसमें सिर्फ फ्रेश टमाटर पड़ते हैं, वो मेरे पास थे नहीं। चले आए चलते हैं और संडे की रात की व्लॉग देखते हैं। मैं मौजूद हूँ फ्रैंकफर्ट में और फ्रैंकफर्ट में इज्जत हो रहा है एक ज़बरदस्त सा फंक्शन इवेंट, यानी आप इसको समझ लीजिए, जो 14 अगस्त के हवाले से हो रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप झलकियाँ देखें और उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर इस वक्त। देखें लोग काफ़ी मसरूफ़ हैं कामों में, जो यहाँ के काम है ऊपर से देखना है हमें कि किस तरह का इवेंट हो रहा है। ये आप भी देखिए और मैं भी देखती हूँ, चलें आए चलते हैं। आपके सामने पाक सरजमीन पेश करेगी, इस बच्चे के लिए भरपूर तालियां, तालियां। दियारे गैर में रहकर अपने वतन से मोहब्बत, अपनी सकाफत से मोहब्बत, अपनी रवायात से मोहब्बत, ये बहुत बड़ी बात होती है। चुकी हूँ और घर आके मैं गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। ज़्यादा मसरूफ था और फिर आज बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा आज के इस इवेंट में। तो इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं बड़े अच्छे रहते हैं और उसमें बड़ा अच्छा लगता है, अपने फैमिली गेट टुगेदर हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये कि उसमें ये भी होता है कि आप अपने जितने भी मिलने वाले लोग होते हैं उनसे आप मिल लेते हैं, तो बड़ा एक तरह से बड़े अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस इवेंट में फ्रैंकफर्ट में पहली दफ़ा गई थी और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह का कोई इवेंट होगा तो आपको मैं पहले भी बताया करूँगी। आप मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप जो है वो क्या देखना चाहते हैं और किस तरह की व्लॉग्स देखना चाहते हैं, किस तरह व्लॉग्स को इंजॉय करना चाहते हैं।
तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आप जर्मनी के मुतालिक क्या जानना चाहते हैं ये भी मुझे बताएं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि मैं कोई ना कोई मालूमाती चीज़ आप लोगों को ज़रूर दूं अपनी ब्लॉग में, जिससे किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाए। तो मुझे, मैं कोशिश करती हूँ, जब इस तरह का कॉन्टेंट नहीं होता, मुझे पता नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है मैं उस हिसाब से, उस हवाले से वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो आप लोग यकीनन मुझे बताते रहा करें कि आप लोग जो है वो किस तरह की व्लॉग्स देखना चाहते हैं। चाय ठंडी हो जाए अगर तो फिर उसका स्वाद नहीं रहता, वो कहते हैं ना मज़ा नहीं रहता, तो इस वजह से मैं गर्मा गर्म चाय को जो है वो इस वक्त पी रही हूँ।